Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Students, today in this video I will discuss division of polynomials to monomials and binomials by the use of traditional methods. So student, without wasting time, let's start. डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल्स टू मोनोमियल्स एंड बाइनोमियल्स, इसका मतलब क्या है? जब अगर आपको बोला जाए किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यानी किसी पॉलीनोमियल्स में यदि आप एक टर्म का डिवाइड कर रहे हैं तो उसे कहते हैं पॉलीनोमियल्स में मोनोमियल्स का डिवाइड देना। कि जब आप किसी भी पॉलीनोमियल्स में किसी भी दो टर्म वाली वैल्यू का यानी कि दो टर्म वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का आप डिवाइड कर रहे हैं तो उसे कहेंगे किसी भी पॉलीनोमियल्स में बाइनोमियल्स का डिवाइड करें। आइए वन बाय वन इसको समझते हैं। तो पहले हम सीखते हैं कि किसी भी पॉलीनोमियल्स में मोनोमियल्स का डिवाइड कैसे किया जाता है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। इससे कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड या ट्रेडिशनल प्रोसेस भी आप इसे कह सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दिया गया है आपको x की पावर 4 प्लस 2x पावर 3 माइनस 4x पावर 2 प्लस 5x माइनस 10। इसमें आपको डिवाइड करना है मोनोमियल्स x का डिवाइड करना है। तो कैसे किया जाएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल दिए गए हैं और यहाँ पे जो वेरिएबल दिए गए हैं इन वेरिएबल की जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यानी कि जैसे कि x पावर 4 है, x पावर 3 है, x पावर 2 है, यहाँ पे x है, यानी कि इस पूरे पॉलीनोमियल्स की जो मैक्सिमम पावर है वो पहले होना चाहिए और जो मिनिमम पावर है वो लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की 4 है और मिनिमम पावर क्या है 0 है, या तो आप यहाँ पे वन है और यहाँ पे 0 है। ठीक है, ये काम करने के बाद में आपको फिर डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे किया जाता है, आप जैसे बचपन में करते आए हैं ट्रेडिशनल मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे। यदि आपको बोला जाए चलो ठीक है आपको डिवाइड करना है 29 में आपको डिवाइड करना है 2 का, तो आप कैसे करेंगे? तो आपका एक तरीका ऐसा ही हो जाता है भाई, काट दिया गया यहाँ पे 2 1 2 2 4 8, इसके बाद में कितना हो जाएगा 1 बचा, तो कितना हो जाएगा 2 5 10 14.5। एक तरीके से आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका आपको ये हो सकता है कि 29 में आपको डिवाइड करना है 2 का, तो 2 1 2 2 4 8, इसके बाद में डेसिमल बढ़ाया यहाँ पे 1 पे 0 आ गया 10 हो गया 2 5 10। एक तरीका आपका ये हो सकता है। इसके बाद में किसी किसी को यही नहीं समझ में आता और ये नहीं समझ में आता तो वो कहाँ पे आ जाता भाई, वो जो बचपन में सीखा होता है उस पर आ जाता है। जैसे कि कौन सा सीखा होता है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से सीखा होता है। इसमें क्या करना रहता है, आपको डिवाइड करना है 29 में और यहाँ लिखा 2 और लगा दिया आप डिवाइड, कैसे टेबल पढ़ना स्टार्ट 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, इसी प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल कितनी बार पढ़ना है, यहाँ पे 1 डिजिट था तो यहाँ पे भी 1 डिजिट लिया गया, तो इसका टेबल इतनी बार पढ़ना रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए या इसके बराबर आ जाना चाहिए पर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो इससे कम हो ले लेंगे पर इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, तो 2 1 2 हमारा बराबर आ रहा तो आ गया, अगर इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, तो 2 1 2 माइनस किया कितना हो गया 0, इसके बाद में नेक्स्ट वाली जो संख्या होती है उसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं। यहाँ पे हमको 2 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 9 से कम रहेगा चल जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा चल जाएगा, पर 9 से बड़ा हमें नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए 2 का टेबल इतनी बार पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 4 8 2 5 10 5 बार में ज़्यादा हो रहा था इसलिए 2 4 8। ठीक है, माइनस किया कितना आ गया 1 आ गया। जब हमारे पास संख्या खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, डेसिमल को यहाँ पे बढ़ा के यहाँ पे 0 उतार लेते हैं। 2 5 10 इसको माइनस कर दिया कितना आ गया 0, यानी कि ये इसका सही तरीका हो गया और ये पूरा इसका आंसर हो गया 14.5। आपने इस तरीके से भी किया, इस तरीके से भी किया, आंसर तो वही आएगा, बट किसी को ये तरीका जल्दी समझ में नहीं आता है, ये तरीका भी नहीं समझ में आता है, तो वो कहाँ पे आ जाता है डायरेक्ट, ये आला आ जाता है, क्योंकि हम पता है कि यहाँ पे गलत होने का चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे आपको प्रक्रिया करनी पड़ती है कि यहाँ पे इस 2 का टेबल पढ़ना पड़ता है बार बार, इसी प्रकार से जब आप किसी भी पॉलीनोमियल्स में मोनोमियल्स या बाइनोमियल्स या ट्राइनोमियल्स का डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये जो टर्म रहेगा, ये फर्स्ट वाला टर्म रहेगा और ये यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्म रहेगा, इन दोनों को ध्यान में रख के जिस प्रकार से आपको टेबल पढ़ना पड़ता है इसमें, इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको यहाँ पे x का टेबल पढ़ना पड़ेगा, यानी कि x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारी ये वैल्यू आ जाए, इसी प्रकार से आपको जिस प्रकार से यहाँ पे किया उसी प्रकार से यहाँ पे भी करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी टेबल पढ़ते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर संख्या उतारते हैं, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे भी करना पड़ता है, यहाँ पे भी आपको x का टेबल पढ़ना पड़ता है, जितनी बार टेबल पढ़ा जाएगा उसको यहाँ लिखा जाएगा और जो आएगा उसको यहाँ लिखा जाएगा, इसके बाद में हमको यहाँ पे सबट्रैक्ट किया जाएगा, सबट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली संख्या उतारी जाएगी, जैसे यहाँ पे हमने संख्या उतारा उसी प्रकार से यहाँ पे भी संख्या उतारी जाएगी, इसके बाद में कंटिन्यू जैसे इस प्रकार से प्रोसेस हम करते आए हैं कंटिन्यू इस प्रोसेस को भी हम करेंगे। बट यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपको ये सारी बातें भी
समझ में आ जाएगी। जिस प्रकार से आप ये डिवीजन भी सीख गए हैं उसी प्रकार से एक डिवाइड भी आपको आसानी से आ जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को जब सोल्व करने जाएंगे तो पहले बात आपको ये चेक कर लेना है कि यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए और यहाँ पे भी जो पावर होगी ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जब यहाँ पे मोर देन टू टर्म्स रहेंगे तब की बात है। अभी यहाँ पे एक ही टर्म है तो भाई हमको पता है कि ये वेरिएबल इसकी पावर अरेंज है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना रहता है, इसका टेबल पढ़ना रहता है और इतना लाना रहता है। अब यहाँ पे टेबल का मतलब क्या हुआ, सीधा सा आपको ये समझना है कि अब यहाँ पे आपको लाना है x पावर 4, ठीक है। x पावर 4 आपको इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि x पावर 4 आ जाए, यानी कि आपको x में क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका आ जाए x पावर 4। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आपको एक तरीका और पता होना चाहिए। डिवीजन का रूल आपको बता दिया हूँ, जो वन टर्म में अगर वन टर्म का आप डिवाइड कर रहे हैं तो वाला रूल मैं आपको समझा चुका हूँ, वीडियो आपको आई बटन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको देख के समझ जाइएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको किसी भी संख्या का इसमें मल्टीप्लाई करना है तो आप लीनियर इक्वेशन सोल्व किए होंगे तो आपको पता है कि अगर कोई भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो इक्वेशन को साइड में जाके क्या हो जाता है, वो डिवाइड में हो जाता है, सीधा सिंपल सा। तो यानी कि अगर आप इसको इधर ले जाते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा, या तो अगर यहाँ पर इसके साथ में मल्टीप्लाई ये है तो आप इसको इधर ले जा रहे हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि x पावर कितना हो जाएगा, 4 x है ना, उसमें इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, x पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप x में x पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका x पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने टेबल कितनी बार पढ़ा, x टेबल हमने कितनी बार पढ़ा, x टेबल हमने पढ़ा x पावर 3 टाइम, ठीक है। अब जितनी बार टेबल पढ़ते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे x पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने x टेबल x पावर 3 बार पढ़ा तो क्या आया, उसको इसके पहले वाले टर्म के नीचे लिखा जाता है, ठीक है। x टेबल x पावर 3 बार पढ़ा तो यहाँ पे कितना जाएगा, x पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड में रूल में क्या होता है, माइनस किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे साइन है प्लस का और यहाँ पे भी है प्लस का। जब यहाँ पे आप माइनस करते हैं ना तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस का है तो ये क्या हो गया, माइनस का है। अब ये x पावर 4 का जो साइन प्लस था ना, अब यहाँ प्लस साइन नहीं कंसिडर किया जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन कंसिडर किया जाएगा। आपको रूल सिखा चुका हूँ कि सेम वेरिएबल सेम पावर में क्या होता है, वेरिएबल को हम ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर वेरिएबल का एडिशन सबट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपको रूल ऑफ एडिशन सबट्रैक्शन याद होना चाहिए। उसमें मैं आपको ये बताया था, जब वेरिएबल सेम होता है, वेरिएबल सेम है और वेरिएबल की पावर सेम होती है तो हम क्या करते हैं, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम उसको ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम x पावर 4 को, ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, एक x पावर 4 यहाँ पे, एक x पावर यहाँ पे, इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें संख्या उतारना है, नेक्स्ट संख्या क्या है, 2x पावर 3 है, ठीक है। अब हमें वापस से टेबल पढ़ना पड़ेगा। अब हमें x का टेबल कितनी बार पढ़े कि हमको 2x पावर 3 आ जाना, वो भी प्लस का होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमें x में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो हमें आ जाए 2x पावर 3 आ जाना चाहिए। तो हमें x में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हमको मल्टीप्लाई करना है इधर ले जाएंगे डिवाइड में जाएंगे, यानी कि 2x पावर 3 में आपको डिवाइड करना है x पावर 1 का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x पावर कितना जाएगा, 2, यानी कि x पावर एक बार कट जाएगा तो बचा क्या, यहाँ पे x पावर 2 बचेगा और यहाँ पे 2 था तो 2x पावर 2 आ जाएगा। यानी कि आपको 2x पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 1 2 एक्स पावर 2 है और एक बार और मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, एक्स पावर 3 हो जाएगा। आपको टेबल कितनी बार पढ़ना है, 2x पावर 2 बार आपको टेबल पढ़ना है, किसका, x में x का टेबल आपको 2x पावर 2 बार पढ़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2x पावर 3। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे भी प्लस था और यहाँ पे प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब वापस से जब माइनस करेंगे साइन हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो ये है ये सा सेम टू सेम यही लाना है, ठीक है, ना तो इससे कम चलेगा ना तो इससे ज़्यादा चलेगा, ठीक है। यहाँ पर सेम टू सेम, यहाँ पर डिवीजन वाले मेथड होता है ये वाले में, यहाँ पे हमें क्या रहा था, कम चल जाता है, ठीक है, पर ज़्यादा यहाँ पे भी नहीं चलता था, या तो बराबर हो या तो यह कम होना चाहिए था, वहाँ टेबल जब हम पढ़ते हैं, जो टेबल पढ़ते हैं उसका, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पे प्रोसेस होती है, पर यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो यहाँ हमको टर्म, फर्स्ट वाली जो टर्म होती है ना, जो है वैसे के वैसे लाना, चाहे अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको यहाँ माइनस ही लाना है, अगर यहाँ प्लस का है तो आपको प्लस ही लाना है, यदि यहाँ पे 100 है तो आपको यहाँ 100 लाना है, यहाँ पे अगर आप पावर 4 है तो यहाँ पावर 4 लाना है, यहाँ पावर 500 है तो 500 आपको नीचे भी लाना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सेम टू सेम वैल्यू जो यहाँ पे है वैसे के वैसे यहाँ पे आना लाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एक टर्म का डिवाइड कर रहे हो, चाहे वो दो टर्म का डिवाइड कर रहे हो, या चाहे वो आप 3 टर्म का डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। ये प्रोसेस हर
डिवीजन वाले रूल में लगेगा किसी भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले में। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये माइनस किया था हमारा जीरो। इसके बाद में क्या उसको उतारेंगे, जैसे कि माइनस फोर एक्स पावर टू है। ठीक है, अब इसमें एक्स में, अब एक्स में हमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें कितना आ जाना चाहिए भाई, माइनस का फोर एक्स पावर टू आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए अब इसका मल्टीप्लाई क्या, इसमें मल्टीप्लाई करें तो आप सीधा सिंपल से मैंने आपको बताया कि जो ये दिया है उसमें डिवाइड कर दो एक्स का। ठीक है, जैसे एक्स डिवाइड करें कितना आ गया, आपको आ गया माइनस फोर एक्स पावर माइनस फोर एक्स। ठीक है, तो आप डायरेक्ट समझ में आ गया कि आपको इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका आ जाए माइनस फोर एक्स पावर टू, तो आप समझ गए कि माइनस फोर एक्स का डिवाइड कर देंगे तो हमें आ जाएगा। देखिए इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस फोर एक्स पावर टू आ गया। तो यहाँ पे आपने टेबल कितनी बार पढ़ा है, यानी कि एक्स की टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ेगा आपको, माइनस फोर एक्स बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, माइनस फोर एक्स बार आप टेबल पढ़ेंगे तो कितना जाएगा, माइनस फोर एक्स पावर टू आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको माइनस करना है, जब माइनस करने जाएंगे साइन हो जाएगा प्लस का, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, घट के कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखेंगे तो कितना है, अगली संख्या उतारेंगे, अगली संख्या क्या आ गया हमारा, प्लस फाइव एक्स आ गया। ठीक है, क्या है हमारी, प्लस फाइव एक्स है। अब देखिए हमको लाना है फाइव एक्स, ठीक है, प्लस का फाइव एक्स लाना है। तो आप देखेंगे एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें, अब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि आपको मिल जाना चाहिए, कितना मिलना चाहिए भाई, फाइव एक्स। आप सिंपल सा देखेंगे भाई, अगर फाइव का मल्टीप्लाई कर दूँ तो डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर लेना फाइव एक्स में, एक्स का डिवाइड करेंगे ऐसे कट जाएगा, कितना आएगा, फाइव आ गया ना, यानी कि आपको डिवाइड मल्टीप्लाई कितने करना है, फाइव का करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई किसका करना है। तो यहाँ पे हम अगर प्लस फाइव का, यानी कि अगर आप फाइव में एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाता है, फाइव एक्स हो जाता है। ठीक है, ये भी प्लस का जाएगा। इसके बाद में अगर आप माइनस करने जा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस का साइन हो गया, इसको आप काट सकते हैं, ये हो गया जीरो। आपको जो संख्या बचा है वो क्या है, माइनस का टेन है। ठीक है, ये माइनस का टेन आ गया। फाइव में आपको डिवाइड करना है टू का, तो आप क्या करते हैं, टू टू जा फोर, माइनस किया वन आ गया। अब देखें अब इसमें डिवाइड जा रहा क्या, अब वन में अब संख्या तो आपके पास है ही नहीं, अब संख्या आपके पास खत्म हो गई, तब क्या करेंगे, देखेंगे इसमें ये टू है ये वन है। जब आपको यहाँ पे वैल्यू होता है, जब यहाँ पे वैल्यू आपको यहाँ से इससे छोटा होना चाहिए, यानी ये क्या होता है, ये होता है हमारा डिवीज़र। ये कि डिवीज़र जो होता है ना वो रिमाइंडर से, अगर डिवीज़र है जो यहाँ रिमाइंडर आपका है, ये रिमाइंडर अगर आपका डिवीज़र से छोटा आ जाता है तो आप भाग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर भाग किस कंडीशन में देते हैं, जब आपका रिमाइंडर डिवीज़र के इक्वल होता है या डिवीज़र से बड़ा होता है तभी आप यहाँ पे डिवाइड दे सकते हैं। बट अब यहाँ पे देखिए आपका रिमाइंडर क्या है, डिवीज़र से छोटा है, तो आप भाग नहीं दे सकते। ठीक है, तो अगर आपको भाग देना है तो आपको डेसिमल लगा के कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको जिस प्रकार से यहाँ पे आप भाग नहीं दे सकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे डिवीज़र आपका एक्स है और यहाँ पे आपका डिवीज़र कितना आ रहा है, माइनस का टेन आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ का वेरिएबल की पावर कितना है, जीरो है, और यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितना है, वन है। वेरिएबल की पावर वन और वेरिएबल की पावर जीरो, यानी कि आपको ये जो आपका रिमाइंडर है और ये आपका डिवीज़र है, तो डिवीज़र की जो पावर है वो ज़्यादा है और रिमाइंडर की पावर कम है। जब रिमाइंडर की पावर कम होती है ना, तो अब यहाँ पे हम इसके आगे क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे हमको इसको छोड़ देना है, यानी कि यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर आ गया है, माइनस का टेन बोलेंगे, या तो आप माइनस का टेन एक्स पावर जीरो, इसका एक्स पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन होता है, इसी कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टेन आप बोल सकते हैं। ठीक है, यह है माइनस का टेन, ये आपका हो गया रिमाइंडर, और ये हो गया आपका कोशियंट, और ये हो गया आपका डिवीज़र, और ये होता है डिविडेंट। ठीक है, ये हो गया भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। ठीक है, यानी कि शेषफल को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, और भागफल को इंग्लिश में बोलते हैं कोशियंट, और डिवीज़र को आप बोलते हैं भाजक, और ये जो डिविडेंट होता है इसको बोलते हैं भाज्य। मतलब क्या है, इसका बताने का सीधा सा मतलब ये है कि यदि आपको क्वेश्चन चेक करना है कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही है या गलत है, उसका एक तरीका होता है कि भाई आप चेक कर सकते हैं आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। डिविडेंट इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर, हिंदी में बात करें तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला को आपको याद रखना है। वहाँ पे करेंगे जब आपको डिवाइड दिया जाएगा, डिवाइड कर लेंगे, इसके बाद में आपको चेक करना है कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही है वो या गलत है। तो आप चेक कर सकते हैं जो आपका भाज्य होगा, यानी कि ये जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जो लिया रहेगा, यहाँ पे जो लिखा रहेगा, इसका और इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको आप प्लस कर देंगे, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। डिवीज़र, डिवीज़र हमारा दे रखा है एक्स, एक्स में ठीक है आपको मल्टीप्लाई करना है किसका, कोशियंट का। अब देखो कोशियंट कितना है हमारा, एक्स पावर थ्री प्लस टू एक्स पावर टू माइनस फोर एक्स प्लस फाइव, ये कोशियंट है
यहाँ पे आपको जोड़ना है रिमाइंडर, यहाँ पे आपको प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है माइनस 10 है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, अब इस एक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है वेरिएबल की पावर प्लस हो जाती है अगर वेरिएबल सेम है तो, यहाँ पे सारे वेरिएबल एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स है, एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, एक्स पावर 3 में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा एक्स पावर 4 हो जाएगा, इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 2x पावर 3 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो -4x पावर 2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा +5x हो जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ यह प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपको क्या लाना था, इसमें हमने इसका मल्टीप्लाई किया, यानी कि आपको जो ये दे रखा था इसमें आपको मल्टीप्लाई करना था एक्स का, तो आपने एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया और साथ ही साथ आपका जो रिमाइंडर आया था, रिमाइंडर कितना आया था, रिमाइंडर यहाँ पे आया था माइनस का 10, उसमें हमने -10 को ऐड कर दिया तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, तो हमने क्वेश्चन को जो सोल्व किया ये आ गया। अब इसमें आप इसका मल्टीप्लाई किए या तो आप ऐसा बोलो इसमें आपने इसका मल्टीप्लाई किया जो आया उसमें रिमाइंडर को जोड़ा, तो क्या आना चाहिए था, वो आना चाहिए था भैया आपका डिविडेंड आना चाहिए, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए था। अब आप चेक करिए देखिए आपका आंसर सही है या गलत है, देखिए आपको ये आना चाहिए तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्स पावर 4 प्लस 2x पावर 3 माइनस 4x पावर 2 प्लस 5x माइनस 10, यानी कि आपका आंसर सही है जब आपका ये वैल्यू बराबर है। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा इसको बोलते हैं डिविडेंट, जब आपका इसलिए क्या हो गया ये हमारा डिविडेंट आ गया। ट्राई करके बता दिया कि ये क्वेश्चन हमारा सही है या गलत है, ये क्वेश्चन हमारा परफेक्ट तरीके से सही है। ये क्वेश्चन आपका कुछ भी हो सकता है, किसी भी पॉलीनोमियल्स में आप मोनोमियल्स का डिवाइड कर रहे हैं, आप किसी भी पॉलीनोमियल्स में आप बाइनोमियल्स का डिवाइड कर रहे हैं, आप किसी पॉलीनोमियल्स में आप ट्राइनोमियल्स का डिवाइड कर रहे हैं, तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है बट चेक करने का तरीका यही रहेगा। उसमें क्या करना रहेगा आपको, जो डिविडेंड होता है वो आपको डिविजन और क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करने पर रिमाइंडर जोड़ देते हैं, तो आपका जो डिविडेंड के बराबर आ जाता है तो आप कह देंगे कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही है नहीं तो गलत है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेंगे, पूरा तरीका होता है या फार्मूला आपको याद करना है कि ये फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको लिख दिया गया है। आई होप कि दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया गया है एक पॉलीनोमियल्स है, इस पॉलीनोमियल्स में आपको इस बाइनोमियल्स का डिवाइड करना है। देखिए मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है और साथ में पॉलीनोमियल क्या होता है, इसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो आपको आई बटन में दे दिया जाएगा, यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा, समझ जाइएगा कि क्या होते हैं पॉलीनोमियल्स, क्या होता है मोनोमियल्स, क्या होता है बाइनोमियल्स, क्या होता है ट्राइनोमियल, ठीक है, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ में वहाँ पे लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्या होता है, ये सारा चीज़ हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ आपको ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि रूल ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है वेरिएबल का, और साथ में मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है और डिवीजन का रूल क्या होता है, ये सारी चीज़ सिखा चुके हैं। जब आप उन सारी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये सारा बहुत ईजी लगने लग जाएगा कि यार ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या है कि 2x पावर 4 माइनस 3x पावर 3 प्लस 4x पावर 2 प्लस 5x माइनस 8 में इसमें आपको डिवाइड करना है, इस बाइनोमियल्स यानी कि x माइनस 1 का डिवाइड करना है, बल्कि पावर को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है, यहाँ पे भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है और यहाँ पे भी वेरिएबल डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर नहीं है तो उसको हम पहले अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है। इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 2x पावर 4 आ जाए, यानी कि x का टेबल हम कितने टाइम पढ़े, ठीक है। देखिए x में हमें कितनी बार टेबल पढ़ें कि हमारा आ जाए 2x पावर 4 आ जाए, ठीक है। तो अब हमें 2x पावर 4 में डिवाइड करके चेक कर लेते हैं फटाक से, ये कितना हो जाएगा 2x पावर 3, यानी कि टेबल आपको कितनी बार पढ़ना है 2x पावर 3 बार टेबल पढ़ना है, x का टेबल कितनी बार पढ़ना है 2x पावर 3 बार पढ़ना है, यानी कि प्लस का 2x पावर 3 बार टेबल आपको पढ़ना है तो आपको आ जाएगा 2x पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसका टेबल कितनी बार पढ़ा जाए, यानी कि अब इसका मल्टीप्लाई किया जाए कितना हो जाएगा 2x पावर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही लाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे प्लस प्लस यहाँ देखो प्लस है, प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो प्लस ही आता है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, ये माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, यानी कि अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो -2x पावर 3 हो जाएगा। अब x पावर 3 वेरिएबल किसके साथ में ऐड सबट्रैक्ट होता है, सेम वेरिएबल सेम पावर के साथ में ऐड और सबट्रैक्ट होता है, तो अब सेम वेरिएबल सेम पावर के साथ नीचे ही उसको लिखना पड़ेगा। देखिए यानी कि x पावर 3 कहाँ है, x पावर 3 यहीं पे है, तो अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 × 2x पावर कितना है 3 है, तो यहाँ पर x पावर 3 आ जाएगा। अब देखेंगे हमें डिवाइड पढ़ने के बाद क्या करना होता है, माइनस करना होता है, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे, अब यहाँ पे माइनस करने हैं साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाता है माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब
टू एक्स पावर फोर का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और टू एक्स पावर थ्री का जो साइन हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है। मैं आपका फर्स्ट टर्म हमेशा माइनस हो जाना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो समझ लो आपने कहीं ना कहीं गलती किया है। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया ये। तो अब यहाँ पे इसको देखेंगे क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, माइनस का कितना हो गया, माइनस का एक्स पावर थ्री हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे तीन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तीन में से दो घटा देंगे, बचे कितना, एक्स पावर थ्री। यानी कि अब नेक्स्ट वाली संख्या क्या हो गई, प्लस फोर एक्स पावर टू हो गया। ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज क्यों हो जाते हैं ये समझाता हूँ आपको। जैसे कि आपको बोला गया कि टू एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स पावर थ्री में, इसमें से आपको माइनस क्या करना था, इसमें से आपको माइनस करना था, इसमें से भाई आपको माइनस करना था, माइनस करना था क्या, टू एक्स पावर फोर माइनस टू एक्स पावर थ्री को, इसको माइनस करना था, प्लस का टू एक्स पावर फोर माइनस टू एक्स पावर थ्री को इसमें से माइनस करना था, इसमें से आपको इसको माइनस करना था, तो ये माइनस का साइन लगा दिया। जब आप सोल्व करेंगे टू एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स पावर थ्री, ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टू एक्स पावर फोर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टू एक्स पावर थ्री। देखेंगे आपको यहाँ पर प्लस का साइन था, यहाँ पर प्लस का साइन था, तो प्लस यहाँ माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। देखिए यहाँ पर भी साइन आपका माइनस हो गया और यहाँ पर भी साइन आपका प्लस हो गया। साइन चेंज हो जाता है कब, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होता है, माइनस का मल्टीप्लाई आप जब ब्रैकेट में करते हैं तो ब्रैकेट वाली वैल्यू जितनी भी रहती है सबका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस का है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस का साइन है तो प्लस का साइन हो जाता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इससे ये कट गया, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, यानी कि सबट्रैक्ट कर दिया जाएगा, माइनस थ्री एक्स पावर थ्री में से प्लस टू एक्स पावर थ्री को माइनस किया जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस एक्स पावर थ्री, ये आएगा, वही तो लिखा गया, देखिए आ गया। संख्या उतारने के बाद में वापस से टेबल पढ़ना पड़ता है। देखिए अब वापस x का टेबल पढ़ना है, अब वापस x टेबल कितनी बार पढ़े कि भाई हमें फर्स्ट टर्म लाना है, माइनस एक्स पावर थ्री लाना है। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दे कि हमारा माइनस एक्स पावर थ्री आ जाए, तो पहली बात तो माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और एक्स पावर टू का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एक्स पावर टू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस एक्स पावर थ्री। कैसे करना है ये प्रक्रिया मैं आपको समझा चुका हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें कितना हो जाएगा, माइनस एक्स पावर थ्री। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, एक्स पावर टू। अब देखिए अब वापस से माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और साथ ही साथ इसको माइनस कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस। अब नीचे वाला साइन जब माइनस करते हैं तो साइन नीचे का कंसिडर किया जाता है, ऊपर वाला नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो फोर एक्स पावर थ्री में से एक्स पावर टू माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, प्लस का थ्री एक्स पावर टू। इसके बाद में वापस से संख्या उतारा जाता है, नेक्स्ट वाली संख्या क्या है भाई, प्लस का फाइव एक्स है। ठीक है, अब प्लस का फाइव एक्स है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें वापस से टेबल पढ़ना है एक्स का, एक्स का टेबल कितनी बार पढ़ा है भाई, यहाँ पे थ्री एक्स पावर टू आ जाए, तो सीधा सिंपल सा है, यहाँ पर प्लस थ्री एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए थ्री तो थ्री आ गया और एक्स का पावर टू हो जाएगा, और साथ ही इसका माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर माइनस करने जाएंगे तो यहाँ प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये कट गया। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा, एट एक्स हो जाएगा, सेम वेरिएबल सेम पावर में इसको हम प्लस कर देते हैं, तो ये प्लस हो गया, कितना हो जाएगा, एट एक्स हो गया। अब देखो बचा क्या है, इसको हम उतार लेते हैं, माइनस एट। टेबल पढ़ना है एक्स का, एक्स का टेबल कितनी बार पढ़े हैं कि भाई एट एक्स आ जाए, सीधा सिंपल सा है ना, एट का मल्टीप्लाई करो, एक्स में आपको एट का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, एट एक्स। ठीक है, यानी कि इसका टेबल आपने इतनी टाइम पढ़ा कितना आ गया, एट एक्स आ जाएगा, यानी कि डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस का एट हो जाएगा। ठीक है, अब वापस हमको माइनस करना है, माइनस किया जाएगा, देखिए यहाँ पे साइन प्लस का था, यहाँ पे माइनस का हो गया, और यहाँ माइनस का था तो यहाँ पे हो गया प्लस का, ये से इससे कट गया और ये इससे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो आ गया। ठीक है, यदि आपको आंसर भी चेक करना है कि भाई आपका आंसर सही है या गलत है, तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। डिविडेंड को अगर हम डी से रिप्रेजेंट करें और इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करें और इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करें, ये क्वेश्चेंट होता है और ये साथ में ये होता है, रिमाइंडर को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करें, तो सीधा सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, डी कैपिटल डी, यानी कि ये डी बराबर क्या हो जाना चाहिए, डी है ये, क्या है डी, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, डी इंटू क्यू प्लस आर, या तो आप ऐसा लिखो डी बराबर क्यू इंटू डी प्लस आर। ठीक है, यानी कि
इनका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और रिमाइंडर को ऐड कर दिया जाता है तो क्या जाता है आपका, ये डिविडेंड आ जाता है, यानी कि भाज्य आ जाता है। ये भाज्य है, ये भाजक है और ये भागफल है और ये शेषफल है, ठीक है। यानी कि जब आप भाजक में भागफल का गुणा करते हैं और शेषफल को जोड़ देते हैं तो अब आ जाता है भाज्य आ जाता है, ठीक है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इसी प्रकार से डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविजर इंटू क्वोशियंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविजर यानी कि एक्स माइनस वन का आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, टू एक्स पावर थ्री माइनस एक्स पावर टू प्लस थ्री एक्स प्लस एट, इसके साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है और साथ में रिमाइंडर को जोड़ देना है, ठीक है। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करने का मतलब सीधा से हो गया कि भाई इसका मल्टीप्लाई आप पूरे ब्रैकेट के साथ करना है, यानी कि x इंटू टू एक्स पावर थ्री माइनस एक्स पावर टू प्लस थ्री एक्स प्लस एट, ठीक है। और साथ ही साथ माइनस वन का मल्टीप्लाई आपको करना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ में वापस में, यानी कि टू एक्स पावर थ्री माइनस एक्स पावर टू प्लस थ्री एक्स प्लस एट इक्वल टू ये प्लस में जीरो, ठीक है। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x पावर 4 हो जाएगा, और साथ ही साथ इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस एक्स पावर 3 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस 3x पावर 2 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ठीक है। अब इसी सेम टू सेम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 2x पावर 3 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस x पावर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस 3x और यहाँ पे माइनस 8 और प्लस 0। देखिए x पावर 4 यहाँ पे है और कहीं पे है क्या, नहीं है, तो 2x पावर 4, x पावर 3 यहाँ पे है, x पावर 3 यहाँ पे है, तो सोल्व करिए कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस का 3x पावर 3 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे x पावर 2 है और x पावर 2 यहाँ पे है, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 3 एक 4 एक्स पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x है, प्लस का 8x माइनस 3x कितना हो जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा, और साथ ही साथ 8x वाला काम खत्म हो गया, अब कांस्टेंट वाली वैल्यू बची तो माइनस का 8 आ गया, प्लस का 0। अब देखिए उसको और सिंप्लीफाई करें कितना हो जाएगा, 2x पावर 4 माइनस 3x पावर 3 प्लस 4x पावर 2 प्लस 5x माइनस 8। जब इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, इतना आ गया, और साथ में रिमाइंडर को भी जोड़ लिया तब भी यही आएगा, यानी कि अब हमारा ये जो आता है ये क्या होना चाहिए, ये होता है डिविडेंड, डिविडेंड है। अब हम चेक कर लेते हैं भाई सही है गलत है। अब देखिए यहाँ पे 2x पावर 4, 2x पावर 4 माइनस 3x पावर 3 प्लस 4x पावर 2 प्लस 5x माइनस 8, यानी कि यह क्वेश्चन का आंसर भी हमारा सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है, इसकी प्रोसेस को मैं सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व करना आपको बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने डिस्कस किया था पॉलीनोमियल्स में आपको मोनोमियल्स का डिवाइड करके बताया था, सेकंड में आपको सोल्व करके बताया कि आप पॉलीनोमियल्स में बाइनोमियल्स का डिवाइड कैसे करेंगे, ये आपको मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में सोल्व करके ये बता दिया, और इन क्वेश्चन को वेरीफाई कैसे करते हैं वो फार्मूला भी मैं आपको बता दिया हूँ। फार्मूला क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। आई होप दोस्तों आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया हो। तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं किसी भी पॉलीनोमियल्स में आप ट्राइनोमियल्स का डिवाइड कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।